एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सा रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे प्याज का रायता। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए देख लेते हैं इजी सा रायता बनाने की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रायता बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको हम आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो अगर इस तरह से आप रायता बनाओगे तो सच बता रही बहुत ही ज़्यादा आपको ये रायता टेस्टी लगेगा। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करके प्याज इस पर रख दिया, तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो मैं दोनों प्याज को भून लेती हूँ, भून के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है, दिखने से पता चल रहा होगा आपको। तो अभी मैं आपको छील के दिखाती हूँ। तो मैं ठंडा होने के बाद हमें इसको छीलना है, गर्म में हमें नहीं छीलना, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो ये ठंडे हो चुके हैं और अभी मैं छील लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रायता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी रायते की। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट में भी बताना ना भूलें। तो ये देखिए, इस तरह से मैं छील लेती हूँ दोनों को ही। तो छील के बताती हूँ मैं आपको। तो ऐसे ही मैं दोनों प्याज को छील लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों प्याज को हमने अच्छे से छील लिया है और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और इसको भूनने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है प्याज में। तो अभी मैं कट कर लेती हूँ, कट करके आपको दिखाती हूँ। तो आप बारीक भी कट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। आपको कैसे प्याज कट करने हैं वो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई परहेज नहीं है। तो मैं अच्छे से प्याज को कट कर लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा बारीक भी नहीं कट किए हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं कट किए हैं, मैंने मीडियम साइज़ के इस स्लाइस में कट किया है। तो अभी हम ये आधा लीटर दही लिया, दही को मैंने फ्रेंड्स पहले ही फेंट लिया था। अभी हम इसमें प्याज डाल लेंगे और प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये 5 मिनट में बनके रेडी होने वाली रेसिपी है और इस रेसिपी को आप रायता, इस रेसिपी को आप, ये रायता है जो आप राइस के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा के इंजॉय कर सकते हो। खाने का 4 गुना ये टेस्ट बढ़ा देता है। तो देखिए, दही को हमने अच्छे से प्याज में मिक्स कर दिया है। अभी ये मैं भुना हुआ जीरा ले रही हूँ, ये मैंने भून के थोड़ा सा दरदरा इसको कूट लिया था और ये इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है। और नमक हम इसमें थोड़ा डालेंगे फ्रेंड्स, हमें नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 चम्मच से कम हमें नमक डालना है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा और डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं डालना है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइम भी ये खाने लायक हो गए, इस तरह भी आप खा सकते हो, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन हम बना रहे हैं तड़के वाला रायता, तो इसमें मैं तड़का लगा के और भी इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ा दूँगी। तो आप तड़का वाला रायता ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, तो इससे और भी ज़्यादा टेस्टी रायता बनेगा। तो ये देखिए, सरसों का ऑयल डालेंगे, आपके पास जो भी ऑयल हो आप ले सकते हो। तो मैं 1 चम्मच के करीब सरसों का ऑयल लिया है, चम्मच ये हमारी छोटी वाली है। तो अभी इसमें ऑयल गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल देंगे और अभी मैं डाल रही हूँ ये 3-4 हरी मिर्च ली है, 2-3 लहसुन की कलियाँ मैंने इसको बारीक कट कर लिया था वो इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल लेंगे चुटकी भर, जिससे क्या है वो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और रायते में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको हल्दी का फ्लेवर अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे मिर्च को और लहसुन को, जो लहसुन का अच्छे से कच्चापन निकल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करते ये तड़के में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी ये हम धीरे से इसमें डाल देंगे, दही में डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने तड़का लगा दिया। तड़का लगाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इसका। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको देखिए, हमने तड़के को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी भी फ्रेंड्स ये रेडी हो चुका है। तो इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैं एक चीज़ और डालती हूँ, जिससे 4 गुना इसका टेस्ट बढ़ जाएगा।
तो आप यहाँ ये भी रेडी हो गया है, इस तरह भी आप खा सकते हो। लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ और इसमें मिला देती हूँ मैं, तो ये मिला रही हूँ इसमें हरा धनिया, इससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये है तो स्किप ना कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर धनिया आपके पास हो, हरा धनिया, तो आप डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रायता बनेगा। तो देखिए हरा धनिया को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो रायता हमारा बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल 5 मिनट में ये रायता बनके रेडी हुआ है, 5 मिनट हमारे लगे ही नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा, देखने से ही पता चल रहा है कि फ्रेंड्स ये रायता कितना टेस्टी बना होगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट में बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।